राजस्थान के एक युवक को शादी का झांसा देकर अपहरण कर 1 लाख की फिरौती मांग लिए जाने का मामला सामने आया है। अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां 5 अपराधी को बेलदौर थाना क्षेत्र से सहरसा पुलिस एवं बेलदौर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। दरअसल राजस्थान के रहने वाले रामचंद्र के द्वारा सदर थाना सहरसा को टेलीफोन के माध्यम से सूचना दी गई कि मेरे भांजे शुकरण पिता मालाराम धनियासर हनुमानगढ़ राजस्थान निवासी को सहरसा जिले के बसनही थाना क्षेत्र के संतोष कुमार उर्फ मनीष कुमार बरसम वार्ड 3 निवासी के सहयोगियों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया गया है तथा 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है। सहरसा पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त होने पर सदर थाने के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता के आधार पर बेलदौर थाना क्षेत्र के बेला नोवाद गांव सटे मकई के खेत से बंधक बनाए गए राजस्थान के घनश्याम हनुमानगढ़ निवासी शिवकरण को पुलिस ने बरामद कर पुलिस ने सहरसा जिले के बसनही थाना क्षेत्र के बरसम गांव निवासी दिलखुश कुमार अभिमन्यु कुमार ननहकु कुमार अंजनी कुमार बबलू कुमार को सहरसा एवं बेलदौर पुलिस की सहयोग से 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर बेलदौर थाना लाया गया। उक्त घटना के आलोक में सहरसा सदर थाना कांड संख्या 182/24 दिनांक 26 फरवरी 2024 धारा 364A/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं उक्त अपराधी के पास से 5 मोबाइल 3 मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया, जहां सहरसा पुलिस न्यायिक प्रक्रिया अपना कर न्याय के हिरासत में भेज दिया। 24 घंटे में सहरसा पुलिस के द्वारा कई आपराधिक घटनाएं जो पहले भी हुई थी और जो अभी वर्तमान में भी हुई है, तो उस पर क्रैकडाउन किया गया है और उसी का अचीवमेंट को बताने के लिए ये PC रखा गया है। आप लोग को याद होगा कि बिहरा में 25 जनवरी को एक लूटकांड हुआ था, केस नंबर 2024, जहाँ पे जो पीड़ित हैं उनसे उनका मोटरसाइकिल एवं मोबाइल एवं पैसे 2500 रुपये चाकू का भय दिखा के छीन लिया गया था, लूट लिया गया था। 394 का मामला भी दर्ज हुआ था। इसमें हमारी टेक्निकल टीम ने उस समय हमने एक टेक्निकल टीम जो हमारी है एक टीम बनाई, जिसमें बीरा थाना अध्यक्ष थे और टेक्निकल टीम को लीड कर रहे थे अजीत जी और पूरी चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे थे जो SDPO हैं आलोक। इन्होंने सही तकनीकी अनुसंधान कर जो इसमें अपराधकर्मी थे उनको गिरफ्तार किया। उनका नाम राहुल कुमार है और सोनू कुमार है। ये दोनों जो हैं ये अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह टाइप के हैं, सुपौल जिला के हैं रहने वाले, और इनसे हम लोग जो हैं चाकू ये बरामद किया है, जो मोबाइल लूटा हुआ था वो बरामद किया है और जो मोटरसाइकिल जो लूटा गया था वो भी हम लोग बरामद कर लिए। तो यह एक अच्छा घटना था और ये पुराना घटना थोड़ा सा था, इसको डिटेक्ट करके हम लोग और भी इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि इनकी संलिप्तता कहीं और कोई घटना में है कि नहीं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए सहरसा बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट।